If you have seen the last video in this series, then one question must be popping into your head time and again. Who was this Keshavananda Bharti? इनको इतना क्या था कि इन्हें पूरी इतनी बड़ी पिटिशन कोर्ट के सामने लेके आनी पड़ी, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा. वाई वॉज ही सो अफेक्टेड, हु दिस पर्सन वॉज, और क्या उन्होंने अकेले इस पूरे केस को चलाया, क्या ये अकेले पिटिशनर थे? उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाई गाइज, दिस इज ईशा कपूर एंड यू आर वॉचिंग वी लॉगिश. केशवानंद, दिस नेम इज नॉट दैट सिंपल. इनफैक्ट इट्स His Holiness Swami Keshavananda Bharti Shripad Galvaru, एक मठ के हेड. मठ इज नथिंग बट रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट इन हिंदू रिलीजन. जब भी एक रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट होती है जिसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी भी पोजेस करती है, वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करवा सकती है, और भी बहुत सारे राइट्स उनके अपने होते हैं. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एंटिटी की तरह उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं. उस एडनी और मठ के हेड थे वो केरला में. केरला में उस टाइम पे एक लेजिस्लेशन आ गई थी, द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, क्योंकि गवर्नमेंट को उस टाइम पे द गवर्नमेंट द पीपल इन पावर वर अट्रैक्टेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म. बट दिस वॉज द रूट कॉज एज टू वाई केशवानंदा वॉज अफेक्टेड. The property of his mutt was affected. It was involved. इस legislation के आ जाने से government को बहुत ज़्यादा rights मिल रहे थे property को acquire करने के लिए, और केशवानंदा का जो mutt था वो funds के लिए struggle करने लगा था कहीं ना कहीं. तो केशवानंदा को लगा कि ये तो मेरे rights के साथ infringe किया जा रहा है. He was of course an intellectual person too. He was not into the laws directly, but उनका ये decision आज कितने बड़े एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन के लिए, जुडिशरी की तरफ से आने वाले एक फैसले के लिए राह बना. बिफोर आई प्रोसीड अहेड विद द वीडियो, अ वेरी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट. ये उन सब लोगों के लिए है जो क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लॉ फील्ड में एंटर करना चाहते हैं. अन अकेडमी कॉम्बैट प्रेजेंट्स द नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लैट प्रिपरेशन. If you clear this test, you are eligible for up to 100% scholarship on the payment of your fee. तो अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको फ़ी पे करने में डिफ़िकल्टी है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, या फिर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर आप इतने टैलेंटेड हैं कि आप इस टेस्ट को क्लियर करके अपनी फ़ी को पूरी तरह से हटा सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस टेस्ट को देना चाहिए. ये टेस्ट शेड्यूल्ड है 27th of February को. 3 PM को टेस्ट होगा. इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप रैंक 1 से लेकर 3 में आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, यानी कि आपको बिल्कुल फ़ी नहीं देनी पड़ेगी. इनफैक्ट अगर आप रैंक 100 तक भी आते हैं तो भी आपके लिए बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और एक्साइटिंग स्कॉलरशिप्स हैं. आप देख रहे हो कि अन अकेडमी के पास क्रैश कोर्सेज जैसे 3 मंथ्स के बैचेस कई सारे अलग अलग तरह के हैं. रैंक बूस्टर, क्लैट प्रिपरेशन, आईलेट प्रिपरेशन, एनी अदर एग्जाम प्रिपरेशन विच takes you to the field of law directly. And if you think of choosing the Unacademy subscription, then do use the code VLOGISH at the time of checkout and go to the description box to find all the links. आपको Unacademy के scholarship test का link भी description box में से ही मिलेगा, और इन सब batches का link भी वहीं से मिलेगा. All the best for your CLAT preparation. वो अकेले petitioner नहीं थे इस केस में. इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी कोल और माइनिंग से रिलेटेड जिन्होंने इस केस को सपोर्ट किया, और भी बहुत सारी रिट पिटिशंस फाइल करी. अराउंड 6 रिट पिटिशंस फाइल हुई थी जिसमें कि 20 इंटरवीनर्स भी थे, जो लोग बीच में आके कहते हैं कि हमें भी केस को ज्वाइन करना है, वो लोग भी थे. इतने सारे एक तरह से आप देखो तो पिटिशनर्स, यानी कि केस को परसू करने वाले, करवाने वाले लोग इन्वॉल्व थे. आपको पता है कि केशवानंदा और वो एडवोकेट जिसने प्राइमरीली इस केस को लड़ा, वो तो आपस में एक दूसरे को ना ही कभी जानते थे और ना ही कभी मिले थे. इनफैक्ट आप के वेणुगोपाल को तो सब जानते होंगे. के वेणुगोपाल जो हमारे करंट अटॉर्नी जनरल हैं, के वेणुगोपाल के फादर एडवोकेट एम के नाम्बियार ने इंट्रोड्यूस करवाया था नानी पालकीवाला और केशवानंदा भारती को. एम के नाम्बियार ऑफकोर्स थॉट दैट नानी पालकीवाला इज़ द राइट पर्सन टू गो अहेड विद दिस केस. एक और भी लिंक था दोनों के बीच में, जेबी दादाचंद जी, जिनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी. जेबी दादाचंद जी को एक केरला के रहने वाले लॉयर ने, केरला में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर ने एक लेटर भी लिखा था. जेबी दादाचंद जी उस टाइम पे प्रैक्टिस करते थे सुप्रीम कोर्ट में, तब भी उनकी अपनी फर्म थी, और तब उनको ये लेटर आया जिसमें कि
केरला बेस्ड लॉयर ने लिखा था कि ये कैसे ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों ये केस सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। उन्हें लगता था कि इतने बड़े एडवोकेट हैं तो इनको लिख के देखता हूँ। जब दादा चंद जी को वो लेटर मिला और उन्होंने उस लेटर को पढ़ा तो उन्होंने उसके बारे में नानी पालकीवाला से भी डिस्कस किया, एंड ही वॉज द वन हु सजेस्टेड टू पालकीवाला दैट वी शुड टेक दिस केस, यू शुड टेक दिस केस बिकॉज इट इन फैक्ट कैन लीड टू अ ग्रेट डिसीजन। Now, I had told you in the beginning of this video that Keshwananda Bharti was affected by the Kerala Land Reforms Act. तो उन्होंने बोला कि और किस चीज़ को चैलेंज करेंगे, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को ही चैलेंज करना है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये एक्ट ना आए, मेरी मठ की प्रॉपर्टी अफेक्ट ना हो, मैं ऑलरेडी फंड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा फंड्स, मेरा मठ ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज़ इसे रोकें किसी भी तरह से, कैसे भी करके। कंपनीज़ ने तो साथ देना ही था क्योंकि प्रॉपर्टी के राइट को जब आपसे दूर किया जाता है तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही होते हैं जिनके पास एसेट्स प्रॉपर्टी के नाम में बहुत ज़्यादा है या फिर सिग्निफिकेंट एसेट्स हैं और उनको डर है उन एसेट्स के खो जाने का। तो जो भी था, जब ये केस स्टार्ट हुआ, जब ये पिटिशन डाली गई, तो यहाँ पे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज किया गया आर्टिकल 29 के बेसिस पे। और भी कुछ आर्टिकल्स थे बट प्राइमरी फोकस यहाँ पर था। बट किसी को नहीं पता था उस टाइम पे ये केस इतनी अलग शेप ले लेगा। ये तो बिल्कुल उस तरह से हो गया कि जैसे कभी किसी ने कंटेम्पलेट करने के लिए भी नहीं कंटेम्पलेट किया था कि ये भी इसका आउटकम या ये भी इसकी शेप हो सकती है। वाइल दिस रिट पिटिशन वॉज पेंडिंग, द इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट केम इन टू पावर, और पावर भी ऐसी कि जिसको कोई चैलेंज ना कर पाए, पावर भी ऐसी कि इतनी मेजोरिटी के देखने वाले को लगे कि हाँ कोई गवर्नमेंट आई है पावर में। और जब पावर लिमिटलेस सी हो जाती है, जब पावर अपनी एक्सट्रीम हदों तक आ जाती है, तो आपको पता है कि उसके एक्सप्लॉइट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑल्दो हर लीडर अपनी तरफ से ये कोशिश करता है कि वो कंट्री को प्रोटेक्ट करे, वो कंट्री के लिए प्रोग्रेस करवाए, वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए, बट जो उस टाइम की सोच थी और जो अमेंडमेंट्स उस समय पे आए, उन सभी को केशवानंदा में किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज करना पड़ा। और मोस्ट ऑफ देम वर ईदर अमेंडेड, उसमें से कुछ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा था देम, उनमें से काफ़ी ज़्यादा में खामियां निकाली गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। 24th अमेंडमेंट, 25th, 29th, सारे अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया गया। ये सारे अमेंडमेंट्स इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद आए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुका था और डिसीजन देते हुए बिल्कुल ऐसा था, ऐसा डिसीजन आ चुका था कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं है कि आप कुछ भी बनाते चले जाओगे, आप किसी की भी प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं ले सकते, आप किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को ऐसे ही नहीं अंडरमाइन कर सकते, आप जब चाहे जब मर्जी उठा के कॉम्पेंसेशन वर्ड को अमाउंट से नहीं चेंज कर सकते। अगर आप कुछ चीज़ एक्वायर भी कर रहे हो, अगर आपकी सोच सोशलिज्म की तरफ भी है, तो अपने एक्वायर करने के बदले में किसी को एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन तो दोगे। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके बस वहां पे एक वर्ड लिख दोगे कि कॉम्पेंसेशन, नहीं जी, हमें तो अमाउंट देना है। और अमाउंट का मतलब तो आपको पता ही है कि आप कुछ भी ले सकते हो, अमाउंट एडिक्वेट हो या ना हो, वो सारे बार तो आपने अपने ऊपर से हटा ही दिए। तो नो गवर्नमेंट कैन एक्ट दैट फ्रीली, सुप्रीम कोर्ट शोड इट टू द एग्जिस्टिंग पावर, the center of power at that time. तो फिर क्या था, केशवानंदा भारती के फेमस होने का रास्ता भी यहीं से खुला, उनके नाम का इतना चर्चा में आने का रास्ता भी यहीं से खुला, जब गवर्नमेंट ने इतने सारे अमेंडमेंट्स लाए और पिटिशन को पूरी तरह से अमेंड किया गया, इन सारे अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया गया इन कंसल्टेशन विद केशवानंदा भारती। और उसी के बाद ये केस 13 जज बेंच को भी ट्रांसफ़र हुआ। पहले से ये केस 13 जज बेंच के पास नहीं था, वो तो जब बाद में लगा कि इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के इशूज़ आ रहे हैं और ऐसे इशूज़ आ रहे हैं जो गोलकनाथ में डिसाइड हो चुके हैं, गोलकनाथ केस था, अब कंफ्यूज मत होना इस सब को सुन के। ये सारे जो केसेस हैं, ये सारी जो हिस्ट्री है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस सीरीज में डेफिनेटली पता चलेगी। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब तो अमेंडमेंट होके पिटिशन में ऐसे इश्यूज आ गए हैं कि यहां पर तो गोलकनाथ केस भी कहीं ना कहीं जो डिसाइड कर चुका है, हम उस पर फिर से डिसाइड करेंगे, तो बड़ा एक बेंच तो होना चाहिए। पहले वाले केस को 11 जज बेंच ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था, तो 13 जज बेंच को फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट किया गया केशवानंदा भारती की इस पिटिशन के लिए, जो कि क्लब की गई थी और बाकी सारे पिटिशंस के साथ में भी। बाकी एक एनेक्टोड है इस केस से रिलेटेड, TR आंधे रजीना प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे अब जजमेंट्स देखते हो तो उनमें आपको उनके नाम देखने के लिए मिलते होंगे। एक बार क्या हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में लंच कर रहे थे ऐसे ही, तो उनको एक लॉयर मिले फ्रॉम केरला, वो भी
केशवानंदा को पर्सनली नहीं जानते थे, हिज होलीनेस केशवानंदा भारती को, जैसे मैंने बोला नानी पालकी वाला भी नहीं जानते थे, और इन लोगों में से मैक्सिमम कोई भी उनसे डायरेक्टली कभी मिला नहीं था। बट जब वो लंच कर रहे थे एक दिन कैंटीन में, उनको एक केरला के लॉयर ने बताया कि आपको पता है केशवानंदा तो खुद बहुत हैरान होते हैं अपना नाम रोज़ रोज़ न्यूज़पेपर्स में देख के, उनको लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा नाम बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, मैंने तो एक सिंपल सी रिट पिटिशन डालने के लिए कहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ताकि मेरा मठ स्ट्रगल ना करे, ताकि उसके फंड स्ट्रगल ना करें, अब ये क्या हो रहा है। सो दे बोथ हैड अ गुड लाफ ऑन दिस। तो देखा आपने किस तरह से एक इंसान को जिनको उनके खुद के लॉयर्स भी नहीं जानते थे, उनसे कभी पर्सनली नहीं मिले थे, उन्होंने एक ऐसी जंग शुरू कर दी जिसकी वजह से इंडियन जुडिशरी को इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन देना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऐसी 68 डे हियरिंग की हिस्ट्री आ चुकी है, जिसको अगर मैं आज पढ़ने भी बैठ जाऊँ तो शायद इतनी नई चीज़ें मुझे हर बार जानने के लिए मिलेगी विद ईच रीडिंग, जितना मैंने भी खुद कभी सोचा नहीं होगा। विद दिस मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उससे आपको सब पता चलेगा कि ऐसा क्या हो गया था देश में कि केशवानंदा को ये पिटिशन लेके आनी पड़ी, उससे पहले की हिस्ट्री क्या थी और कौन से केसेस थे, ये 13 जज बेंच क्यों बना, क्यों ये बेंच 5 जज या 6 जज, क्यों ये बेंच 5 जज या 9 जज या 11 जज नहीं हो सकता था, क्यों 13 जज बेंच ही आना पड़ा, इससे पहले वाले केसेस क्या थे, सुप्रीम कोर्ट की पहले की अप्रोच क्या थी, और भी बहुत कुछ। उसके बाद ये भी बताऊंगी कि हियरिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हुई, क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़ ऑन द केशवानंदा भारती केस। आई विल मीट यू अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।